मोहतरम नाज़रीन आदाब, आज़ाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ज़िला निज़ामबाद बोधन से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान अवैध सिद्दीकी याबा उमर 25 साल का अरब मुकाम दुबई के शारजा में इंतकाल पर मलाल हो गया। अवैध 4 माह कबल अपने रोजगार की गर्ज से दुबई रवाना हुआ था और वो दुबई से शारजा अपने चचाजाद छोटे भाई से मुलाकात के बाद अचानक लापता हो गया। लापता होने की इत्तला उनके बहनोई को दी गई, जो ये भी दुबई में मुकीम थे। उन्होंने शारजा पहुंचकर अवैध की तलाश के बाद शारजा के 20 समुद्री हदूद में नाश दस्तियाब होने की इत्तला मौसूल हुई। बाद असां भैनवी की जानिब से कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर अंजाम देकर तकरीबन 12 दिन बाद दुबई से हिंदुस्तान नाश को बोधन लाया गया। अवैध सिद्दीकी याबा के जनाजे में सैकड़ों अफराद शरीक देखे गए। जनाजे की नमाज जामा मस्जिद राइसपेट बोधन में अदा की गई और कब्रस्तान राइसपेट बोधन में तदफीन अमल में लाई गई। अवैध याबा की तदफीन में साबिका एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा के अलावा रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और सियासी व सामाजिक कायदीन मौजूद थे।